Take care of yourself. Hello guys, मैं आ गया हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। I gotta get my hands on two grand fast. I bet Joe could help me out. जैसा कि लास्ट वीडियो में माफिया टू का चैप्टर टू का पार्ट वन खेला था, मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके काफी तीन हिस्से कर दिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफी बड़ा है। तो इस वजह से तो स्टार्ट करते हैं इसका माफिया टू का चैप्टर टू का पार्ट टू। तो इसमें पार्ट वन में ये हुआ था, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये अपने सिस्टर और मॉम के पास आता है और इसको भी पता लगता है कि भाई इसकी मॉम और सिस्टर कर्जे में फंसे हुए हैं। तो ये बाहर जब निकलता है तो इसको नजर आता है कि सिस्टर के साथ जो कर्जा लेने आया बंदा वो परेशान कर रहा है। तो उसके इसकी उससे लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद क्या कहते हैं, ये फैसला करता है कि ये अपने दोस्त जोई के पास जाएगा और उससे जाके डिस्कस करेगा कि भाई ऐसा ऐसा मसला है और उसको उसका हल चाहिए, इसको पैसे चाहिए ताकि ये अपने मॉम का और सिस्टर का कर्जा उतार सके। तो उसी लिए आप वीडियो में देख सकते हो कि जोई के घर जा रहा है और ये मेरे ख्याल से जोई के घर पहुंच गया है। तो जोई के अभी फ्लैट में पहुंचा है और जोई का घर जो है वो दूसरी या तीसरी मंजिल पे है। तो अभी जा रहा है, ये मेरे ख्याल से पहली मंजिल पर पहुँच चुका है और ये जा रहा है दूसरी मंजिल पर। इसमें सिस्टर से ये किसी लेडी है, इससे पूछे काम करने वाली से, इसने बताया कि सीधे आज के तरफ में आगे जाके, तो ये उसके घर में आ गया, वो जोई के पास आ चुका है। अब जोई की और इसके बीच में कुछ बातचीत हुई है, मैंने कट कर दी वीडियो अननेसेसरी थी। अब ये जोई इसको मैं इतना बता देता हूँ आपको, ये वीटो को जोई लेकर कहीं किसी के पास जा रहा है कि उसके पास जाके ये हल निकालेंगे कि किस तरीके से कर्जा इसका लिप्ट इसकी सिस्टर और मॉम कर्जे से निकले। तो उसी के लिए लोग निकले हैं अभी और ये जा रहे हैं और ये मुझे खुद नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ कि किसके पास जा रहे हैं लोग। तो अभी ये बाहर जो है जोई का गैराज है, तो जोई की गैराज है, जोई की गाड़ी भी खड़ी होगी इसके अंदर। तो जोई की गाड़ी है, अभी गाड़ी में बैठेंगे उस बंदे के पास जाएंगे जिस बंदे से इसको काम है, ताकि जो रूटो का जो सिस्टर और मदर का जो मसला फंसे हैं माँ बहन का वो सॉल्व हो जाए इनकी। इसकी माँ बहन को मसले फंसे हैं, कर्जे वैसे ले लिए इसके जाने के बाद, अब फंसे पड़े बेचारे। तो इसने आया, इसने बोला चलो मैं अपने माँ और बहन का जो मसले मसाले हैं वो सॉल्व करें और फिर अपनी ज़िंदगी आगे जीऊँगा। तो पहले इसने बोला मैं अपने माँ का और बहन का सारा मसला ख़त्म करूँगा। तो इसी के लिए अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। देखिए कितनी देर में पहुँचता है, इतनी देर में, लेकिन मैंने काफ़ी सीन कट कर दिए जिसमें ड्राइविंग के सीन में मैंने कट कर दिए, बट मेन मिशन के सीन जो है वो मैंने डाले इसमें। तो ये सीन में मैंने कट कर दिया, अभी डायरेक्ट उस बंदे के पास पहुँच गए। अब ये गाड़ी देख रहे हैं बाहर, वीटो को उस गाड़ी के बारे में पता है और अब ये जिसकी गाड़ी है ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, मुझे खुद नहीं पता। अब ये उस बंदे के पास चलेगा जिसके पास जोई लेके आया था इसको, और ये इसके पास क्या करने आए हैं, ये इसके पास आए हैं और जो खेला जाता है तोड़ा जाता है वो सब मुझे किस तरीके से गाड़ियों को गाड़ियों को चाबी परचेस करेगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये पेपर दे रहे हैं, ये पैसे दिए उसने गाड़ी के, पेपर ले लो तुम और चाबी जी दे दी उसको, की भी दे दी बाय करेगा की चाबी भी उठा ली उसने। उम्मीद करते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा इसको, थोड़ा लॉक खोलना होगा, लॉक करने के खोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा ये जो बंदा है ये बता रहा है कि लॉक खोलना किस तरीके से, ताकि इसको बता रहा है किस तरीके से खोलना। अब चलो मैं जाकर ट्राई करता हूँ कि लॉक खोलेगा किस तरीके से। अच्छा ऐप दबा कर रखना है पहले, क्योंकि मैं दबाऊंगा तो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ग्रीन आना है वैसे मुझे ई का बटन दबा देना है, ऐप पर मुझे ऊपर करना है और ग्रीन आते ई का बटन दबाना लॉक खुल जाएगा। चलो भाई लॉक खोलना सीखते हैं, चलो आप बाहर चलते हैं दोबारा उस बंदे के पास जाने के लिए जिस बंदे से हमें काम है, जिस बंदे से हमें पैसे मिलेंगे, जिसका मैं काम करूँगा, यानी वीटो जिसका कुछ काम है वो लिपटाएगा और पैसे मिलेंगे। अब मुझे हमने लॉक खोलना सीखा था, उसके प्रैक्टिस एक गाड़ी पे करेंगे हम, तो किस तरीके से गाड़ी का लॉक खोलना है मैं ट्राई करता हूँ। अभी मैप में देख रहा हूँ तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है भाई मैं ये लॉक खोलने की ट्राई करता हूँ, ये एक खुला दो खुला और ये तीसरा भी खुल गया। चलो अब गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ते। ये क्या गाड़ी में जैसे ही बैठा वैसे पुलिस लग गई, आई कहाँ से पुलिस अचानक से। तो
इससे बचना पड़ेगा वरना मिशन फेल हो जाएगा। मिशन का मेरे ख्याल से हिस्सा है। चल आगे बढ़ते हैं, सुनना मैं आगे निकलता हूँ। इस पुलिस को मैं हटाता हूँ अपने पास से। मेरी गाड़ी भी वॉन्टेड हो चुकी है। वॉन्टेड कैसे हटाऊंगा? जो हर तरफ दूर टूर जाएगी मुझे पकड़ लेगी मेरे। चलो पुलिस को हटाने में देखते हैं आगे क्या मिशन आता है इसका, किस तरह से हटेगी वॉन्टेड गाड़ी भी। नहीं तो गाड़ी मेरे लिए बेकार हो जाएगी। चलो दूसरी ले लेंगे अगर बेकार हो गई तो। अपने बाप का तो शहर है वैसे। चलो वो मेरे ख्याल से पुलिस हट चुकी है, हटी नहीं है पुलिस। अच्छा मैं बहुत बुरा ड्राइवर हूँ, तुमसे गाड़ी चलाने चलाए जा नहीं रही बिल्कुल। मेरे को फिर भी चला रहा हूँ। चलो पुलिस तो हट गई थी। अब कहाँ जाना है मुझे? मेरे पास ये रेड कलर का निशान आ रहा है, इधर जाना है। जो ने बोला इस रेड कलर के निशान के पास जाना है। जो कार मैकेनिक है वो हमारी कार के नंबर प्लेट चेंज कर देगा, तो उससे हमें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। हमारी वेंटेड हट जाएगी गाड़ी, क्योंकि नंबर प्लेट से वो पकड़ में आती है गाड़ी हमारे ना। हो जाएगा बराज में बोल दिया बंदे की, बंदा जो ही जानता है इसको बंदे को, जब भी आने दिया बंदे तो आराम से हमारी नंबर प्लेट चेंज नहीं करता है। मैं इसकी नंबर प्लेट चेंज कर रहा हूँ सबसे पहले। चले गाड़ी की मरम्मत करते हैं इसकी। इतना आसान बोले क्या बात है, अगर रियल लाइफ में भी इतना आसान मुझे गाड़ी की मरम्मत करने मजा आ जाता भाई। जाता चाहना कि राज में खड़े करते फौरन से गाड़ी रिपेयर होते फौरन निकाल लेते। गेम भी यार अजीब है, चलो अच्छा है, गेम है कि अलग दुनिया होती है। चलो हमने फिलहाल ये गाड़ी रिपेयर कर ली और नंबर प्लेट भी हटा ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना ये रोड का जो सीन है इसको मैंने कट कर दिया क्योंकि अननेसेसरी था। मैं डायरेक्ट मेन जगह पहुंचता हूं। ये वो बंदा है इसके बाद पहुंचे हैं जो कल जानने वाला है। इसके बाद पहुंचे हैं इसलिए हम क्या कहते हैं इससे पैसे ले सकते हैं, लेकिन ये पैसे देने का मना कर देगा। तो ये कुछ काम थमाएगा जोई को बीटे हुए कि फला काम करके आए फिर तुम्हें पैसे दूंगा। ये बेसिकली काम ये होगा कि ये गाड़ी वॉक करने का बोलेगा, गाड़ी चोरी करने का। तो बेटे गाड़ी चोरी करने जाएगा तो एक गाड़ी है उसकी, तो गैंग की गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी है, गाड़ी लेने जाएगा। तो उसी बारे में बातचीत हो रही है अभी। पहले इंट्रोडक्शन दिला रहा है जोई इसका कि भाई ये है कौन, फिर तो बाकी बात बाद में होगी शायद मेरे ख्याल से। अच्छा मैं आपको बता दूँ, मैंने इस पार्ट में वो गाड़ी वॉक का जो है वो सीन नहीं डाला, वो अगले पार्ट में फाइनल पार्ट में। इस पार्ट में मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि भैया वो आपस में बात कर रहे हैं। अब जो उन्होंने पहली जो गाड़ी वॉक करी थी वो और लॉक खुलना सीखा था वो, और उसके अलावा क्या कहते हैं इसका भी क्या कहते हैं गन भी मिलेगी ये जो जोई देगा। तो गन की शूट की प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो है पूरी, ये जो दूसरे पार्ट में यही है बस। तो तीसरे बात में है कि जो जो गैंग के पास जाता है वीटो, जो मेन करेक्टर है वो जाके वॉप करता है गाड़ी, गाड़ी चोरी करके लाता है। तो ये वीडियो ऐसे ख़त्म होने वाली है, चले आगे आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वीडियो ख़त्म होकर फिर जो ही मुझे गन देगा, यानी वीटो जो है इसका मेन करेक्टर जो मैं खेल रहा हूँ उसे गन देगा। I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Isn't that a mall in your neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you 350 bucks for it. It's worth the risk, right? 400. All right, deal. Alfredo, come on, let's go. Andiamo. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, man. जोनस को गन दबा दी। अच्छा शूटिंग का भी जो चैप्टर है ना वो मैंने इस वीडियो में निकाला, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब करें इसको, नहीं तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो इंटरेस्टिंग है, पूरी स्टोरी और रियल लाइफ। थैंक यू।